दोस्तों, एक मरतबा सईदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्ला अलैह हज के इरादे से बगदाद शरीफ से निकले तो आपके साथ आपके चंद मुरीदैन भी शामिल थे। जब आप लोग किसी जगह रस्ते में क्याम करते तो आपके पास सफेद कपड़ों में मलबूस एक नौजवान आता था। वो आपके साथ खाना वगैरह नहीं खाता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्ला अलैह ने अपने मरीदों को नसीहत फरमाई थी कि वो इस नौजवान से बातचीत बिल्कुल न करें। दोस्तों, जब ये सब लोग मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो ये एक घर में क्याम पजीर हुए। जब ये हजरात अपने घर से निकलते तो वो नौजवान घर में दाखिल हो जाता, और जब ये लोग घर में दाखिल होते तो वो चुपके से बाहर निकल जाता। एक मरतबा सब लोग घर से बाहर निकल गए, लेकिन एक साहब बैतुल खला में चले गए थे। उसी दौरान वो नौजवान अंदर दाखिल हुआ तो उसे घर में कोई नजर नहीं आया। उसने एक थैली खोली और जौ की रोटी पकाकर खाने लगा। जब वो साहब जो बैतुल खला में थे वो बाहर निकले तो उनकी नजर उस नौजवान पर पड़ी तो वो नौजवान वहां से फौरन गायब हो गया। उसके बाद वो कभी उनके पास नहीं आया। जब उन साहब ने गौस पाक रहमतुल्ला अलैह से फरमाया कि मैंने एक आदमी को अपने घर में देखा था और ऐसे वो अचानक से गायब हो गया था, तो आप रहमतुल्ला अलैह फरमाने लगे, वो जिन्नात में से था। वो एक मुसलमान जिन था जिसने काफी अरसा पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। दोस्तों, शेख अबू जकरिया के वालिद फरमाते हैं कि मैंने एक दफा चिल्ला के जरिए जिन्नात को बुलाया तो जिन्नात ने आने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी, तो आखिर वो मेरे पास आए और कहने लगे, जब हम पीराने पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिल्लानी रहमतुल्ला अलैह का बयान सुन रहे हों तो उस वक्त हमें बुलाने की कोशिश ना किया करो। मैंने पूछा, वो क्यों? तो जिन्नात कहने लगे, हम हजूर गौसे आदम की मजलस में हाजिर होते हैं। तो मैं पूछने लगा, क्या जिन्नात भी आप रहमतुल्ला अलैह की मजलस में जाते हैं? तो वो कहने लगे, कसीर तादाद में जिन्नात भी गौसे आदम की मजलस में शरीक होते हैं। हमारे बहुत से गरोह हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ है, उन सब ने हजूर गौसे पाक रहमतुल्ला अलैह के हाथ पर तौबा भी की है। दोस्तों, हजरत इब्राहिम ख्वास रहमतुल्ला अलैह भी फरमाते हैं कि एक साल मैं अपने साथियों के साथ हज के लिए बैतुल्ला शरीफ की जानब जा रहा था कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, मैं सब लोगों से अलग होकर एक अजनबी रास्ते पर चलूं। चुनाचे मैंने आम रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। मैं 3 दिन और रातें मुसलसल उस रास्ते पर चलता रहा। उस दौरान मुझे ना तो भूख लगी और ना ही प्यास महसूस हुई और ना कोई दूसरी हाजत पेश आई। आखिर मैं एक हरे भरे जंगल में पहुंचा जहां फलदार दरख्त और खुशबूदार फूल लगे हुए थे। उस जंगल के दरमियान में एक छोटा सा तालाब था। मैंने अपने दिल में कहा, ये तो गोया जन्नत नज़ीर का टुकड़ा नजर आता है। मैं बड़ा हैरान परेशान था कि अचानक कुछ लोगों की एक जमात मेरे सामने आ गई जिनके चेहरे आदमियों की तरह थे और उन्होंने नफीस किस्म के लिबास पहन रखे थे। उन लोगों ने आते ही मुझे अपने घेरे में ले लिया और मुझे सलाम करने लगे। मैंने जवाब दिया, वा अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उनसे पूछने लगा, आप लोग यहाँ कैसे आए हैं? इस सवाल के पूछते ही मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि हो ना हो ये लोग जिन्नात हैं, ये अजीबो गरीब सरजमीन में हैं। इतने में से उनमें से एक आदमी बोला, हम लोगों को एक मसला पेश आया है, उसमें हमारा बहुत इख्तलाफ है और हम लोग जिन्नात में से हैं। हमने लैलतुल जिन में अल्लाह तबारक व ताला का मुकद्दस कलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सुना है। अल्लाह ताला के मुकद्दस कलाम की वजह से तमाम दुनियावी काम हमसे छीन लिए गए हैं और अल्लाह पाक ने हमें इस जंगल के बीचों बीच तालाब में मुकर्रर फरमाया है। मैंने पूछा कि जिस मकाम पर मैंने अपने साथियों को छोड़ा था वो यहाँ से कितनी दूर है? ये सुनकर उनमें से एक जिन मुस्कुराने लगा
और कहने लगा, ए अबू असहाक, अल्लाह ही के लिए असरार जायबात हैं। ये जगह जहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं, एक नौजवान के सिवा आज तक यहाँ पर कोई नहीं आया और वो भी यहीं वफात पा गया था। और वो एक तरफ इशारा करके कहने लगे, वो रही उस नौजवान की कब्र। वो कब्र तालाब के किनारे थी, जिसके इर्द गिर्द ऐसे खुशनुमा और खुशबूदार फूल थे जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। फिर उस जिन ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, आपके साथियों और आपके दरमियान इतने महीने की मुसाफत का फासला है। तो इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उन जिन्नात से कहा, मुझे इस नौजवान के बारे में कुछ बताइए। उनमें से एक जिन कहने लगा, हम यहाँ तालाब के किनारे बैठे हुए मोहब्बत का जिक्र फरमा रहे थे, अभी हमारी गुफ्तगू जारी थी कि अचानक से एक आदमी हमारे पास आया। उसने हमें सलाम किया, हमने जवाब में कहा वा अलैकुम सलाम, और उससे पूछा, ए नौजवान तुम यहाँ कैसे आए हो? उसने जवाब दिया कि मैं निशापुर के एक शहर से आया हूँ। हम जिन्नात ने उससे पूछा, तुम वहाँ कब से निकले हुए थे? उसने जवाब दिया, मुझे निशापुर से निकले हुए तकरीबन 7 दिन गुजर गए थे। फिर हमने पूछा, तुम अपने वतन से क्यों निकले थे? तो वो कहने लगा, अल्लाह ताला का ये फरमान और अपने रब की तरफ रजू लाओ, उसके हजूर गर्दन झुका दो, उस पर ईमान लेकर आओ, उसके अलावा तुम्हें अजाब से कोई नहीं बचा सकता। हमने उससे और भी सवालात किए और वो हमारे सवालों के बड़े तसल्ली बख्श जवाब देता रहा। फिर उसने एक जोरदार चीख मारी और उसकी रूह परवास कर गई। तब हम लोगों ने उसे यहीं कफन पहना कर उसे यहीं दफना दिया। ये उसकी कब्र है जो आप सामने देख रहे हैं। अल्लाह पाक उस नौजवान से राजी हो। दोस्तों, हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उस नौजवान के असाफ सुनकर बड़ा मुतासर हुआ। मैं उसकी कब्र के करीब गया तो उसके सरहाने पर नरगस के फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता पड़ा हुआ था और उसके ऊपर ये अबारत लिखी हुई थी, ये अल्लाह ताला के वली की कब्र है, इसे गैरत ने मारा है। और एक वरक पर आली नाबदा एक कमानी लिखा हुआ था। फिर जिन्नात ने मुझसे उसकी तफसीर के मतलब सवाल किया तो मैंने उसकी तफसीर बयान कर दी। जिन्नात मुझसे बहुत खुश हुए और इनका इख्तलाफ भी खत्म हो गया। और वो आखिर में मुझसे कहने लगे, हमें हमारे मसले का काफी और शाफी जवाब मिल गया है। तो इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर अचानक से मुझे वहाँ नींद आ गई। जब मुझे होश आया और मैं नींद से बेदार हुआ तो मैं मक्का मुकरमा में मस्जिद आयशा के पास बैठा हुआ था और मेरे पास फूलों का एक गुलदस्ता था जो साल भर उसी तरह रहा जैसे मैंने उस बाग में देखा था। फिर कुछ अरसे के बाद वो गुलदस्ता खुद ब खुद गायब हो गया। सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, वीरानों में जब मैं इबादत किया करता था तो बहुत सारे शयातीन और जिन्नात मेरे पास आते थे और वो कई कई खतरनाक शक्लें बनाकर मुझे डराने की कोशिशें करते थे और कहते थे, ये जगह हमारी है, इसे छोड़कर भाग जाओ। तो मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का विरद करता था तो वो चीखे मारते रोते हुए वहां से भाग जाते थे। एक मर्तबा मेरे पास एक आदमी आया जो नहायत गंदी शक्ल का था। वो कहने लगा, मैं इबलीस शैतान हूँ। और कहने लगा, गौसे आजम, आपने और आपके लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है। तो आप रहमतुल्ला अलैह ने उस अबलीस से कहा, तू यहाँ से दफा हो जा। दोस्तों, फिर अचानक एक गैबी हाथ नमूदार हुआ तो उसने उस शैतान के सर पर जरबे मारना शुरू कर दी। वो जमीन में दस गया। फिर थोड़ी देर के बाद एक और हाथ निकला, उसमें आग के बड़े बड़े शोले थे। ये हाथ अबलीस शैतान का था, वो मुझसे जंग करना चाहता था। लेकिन उसी वक्त एक नकाब पोश सवार वहां आया, उसने मुझे तलवार दी। और जब शैतान ने मेरे हाथ में तलवार देखी तो वो देखकर उल्टे कदमों भागा। इस तरह का एक और वाक्या हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक बार मैं 40 रोज का चिल्ला काट रहा था कि मैंने इरादा किया
कि 40 रोज से पहले मैं कुछ ना खाऊंगा और ना ही पीऊंगा। इस तरह 40 दिन पूरे होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे तो गौसे आजम रहमतुल्ला अलैह के पास जिन्नात खाना लेकर आए। वो खाना सोने और चांदी के बर्तनों में था। आप रहमतुल्ला अलैह ने वो खाना उठाकर उसी तरह वापस कर दिया और फरमाने लगे कि मेरे बुजुर्ग सोने और चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाते थे। जब 40 रोज मुकम्मल हुए तो अचानक से आपकी छत फट गई और एक फरिश्ता नमूदार हुआ। उसने कहा, ये खाना आपके लिए है। हजरत ने खाना वो खुद भी खाया और अपने मुरीदैन को भी खिलाया। दोस्तों, एक बार बगदाद के उलमा में से एक आलम नमाज जुमा अदा करने के बाद बाहर निकले। उनके साथ उनके शागिर्द भी शामिल थे। रस्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा सांप नजर आया। उन्होंने सांप को मार डाला। जब वो थोड़ा दूर आगे गए तो इतनी देर में हवा फैलने लगी और वो आलम उसमें गायब हो गए। जब देखा तो सामने एक आदमी कत्ल होकर गिरा पड़ा था। अभी उस आलम के हाथ पर उसका खून लगा हुआ था। एक आदमी ने कहा, सरदार, ये मकतूल का कातल है। आलम कहने लगा, सरदार, अल्लाह की कसम, मैंने इसे कत्ल नहीं किया। तो सरदार ने कहा, ये तो इनकार कर रहा है, तुम किसी और को उठा लाए हो। उठाकर लाने वाले ने कहा, सरदार, इसी ने कत्ल किया है, क्योंकि आप इसके हाथ में ये खून देख सकते हैं। सरदार ने कहा, बात तो बिल्कुल ठीक है। अब वो आलम कहने लगे, मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया। तो सरदार ने कहा, तूने मेरे बेटे को कत्ल किया है। आलम कहने लगे, ये खून जिसे देखकर आप समझ रहे हैं कि मैंने आपके बेटे को कत्ल किया है, ये तो एक सांप का खून है। तो सरदार ने कहा, वो सांप ही दर हकीकत में मेरा बेटा था। अब वहाँ मौजूद जिन्नात ने कहा, ये आदमी अपनी बात का इकरार कर चुका है, लिहाजा इसकी फौरन गर्दन उड़ा दी जाए और उससे कसास का बदला लिया जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने कहा तो सरदार ने कहा, ठीक है, इस आलम की फौरन से गर्दन उड़ा दी जाए। तभी उस आलम ने फौरन अपने पीराने पीर हजरत शेख गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ तवज्जो फरमाई और सरदार कत्ल करने के इरादे से जब तलवार उठाकर आपको मारने लगा, तब अचानक ही से एक नूरानी चेहरा नमूदार हुआ। उसने कहा, ये आदमी अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है। अगर तुम जिन्नात में से किसी ने भी इस पर हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा और तुम सबको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ये सुनकर सरदार ने फौरन तलवार फेंक दी और वो कहने लगा, हम तुम्हें तुम्हारे पीर यानी पीराने पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से माफ करते हैं। अब तुम ही हमारे इस मकतूल बेटे का जनाजा पढ़ाओ। दोस्तों, अब हम आपको हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्ला अलैह की कुछ और करामात बताते हैं। प्यारे दोस्तों, एक रवायत में आता है कि सरकार गौसे आजम रहमतुल्ला अलैह अपनी खानकाह में बैठे हुए थे कि आपका एक मुरीद आपके पास आया और अर्ज करने लगा कि सरकार में तबाहो बर्बाद हो गया हूँ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, बताओ क्या बात है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो उस मुरीद ने अर्ज की कि सरकार, मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है। मेरी अकलौती बेटी है जो कि बड़ी खूबसूरत है, मैंने अपनी बेटी को घर में ही तालीम दी थी, मैंने आज तक उसे कभी घर से बाहर नहीं निकाला, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सरकार, मेरी बेटी मेरी इजाज़त के बगैर कभी घर से बाहर भी नहीं जाती, लेकिन आज जब मेरी बेटी छत पर गई तो वहाँ से वापस नहीं आई। मेरी छत पर दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि कोई दीवार फिलांग कर भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बेटी को पूरे मोहल्ले में ढूंढा और रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन कहीं भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। सरकार, मुझे मेरी बेटी चाहिए और वो भी जिंदा चाहिए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि ठहर जाओ, और सरकार गौसे आजम ने अपनी आंखों को बंद किया और चंद ही लम्हों के बाद आंखें खोल ली और अपने इस मरीज से फरमाया कि अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ वापस आएगी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मेरे मरीज, क्या तुम करब के वीराने को जानते हो।
तो इस मुरीद ने अर्ज की, सरकार वो तो बड़ा भयानक और दहशतनाक जंगल है, दिन में भी वहाँ जाते हुए डर लगता है। तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि तुम करब के वीराने में चले जाओ, पहला किला छोड़ देना, दूसरा किला भी छोड़ देना और तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाओ। वहाँ जाकर मेरा नाम पढ़कर अपनी उंगली पर दम करना और अपने चारों तरफ अपनी उंगली से एक लकीर खींच देना। फिर वहाँ से जिन्नातों की फौजें गुजरना शुरू हो जाएंगी और वो जिन धाड़ते हुए और भयानक आवाजें निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन खींची हुई लकीर को पार नहीं कर पाएगा। जब वो तमाम जिन्नात की फौज चली जाएगी तो आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आएगी और वो शहनशाह जिन्नात इतना ताकतवर होगा कि वो बड़े बड़े पहाड़ों और दरख्तों को उखाड़ सकता है। वो ये सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को वो कभी पार नहीं कर सकता। फिर वो शहनशाह जिन्नात आपसे पूछेगा, फिर आप उसको अपनी पूरी दास्तान बता देना कि हजूर मैं गौसे आजम रहमतुल्ला अलैह का मरीद हूँ, मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो पूरी जिन्नात की कौम को कोई भी मेरे पीर के कहर से नहीं बचा सकेगा। हजूर गौसे आजम का ये मरीद करब के वीराने की तरफ चल पड़ता है और दो किले छोड़ने के बाद तीसरे किले पर बैठ जाता है। दोस्तों, ये मरीद हुजूर गौसे आजम का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम करता है और अपने चारों तरफ लकीर खींच कर बैठ जाता है। जिन्नात की फौज गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े खतरनाक जिन आते हैं और इस पर हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन सरकार गौसे आजम के नाम पर खींची हुई लकीर को जैसे ही वो छूते हैं फौरन भाग जाते हैं। आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आती है। वो अपनी पूरी शान शौकत के साथ आ रहा था, जैसे ही उसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो वो शेर की तरह दहाड़ता हुआ अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस मरीज पर हमला आवर हो जाता है। लेकिन जैसे ही गौसे आजम रहमतुल्ला अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर से टकराता है तो वहीं पर घुटने टेक कर बैठ जाता है और इस मरीज से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, क्या बात है। हजूर गौसे आजम के मरीद ने अपना पूरा किस्सा सुनाना शुरू किया कि ऐ जिन्नात के बादशाह, मैं हजूर गौसे आजम का मरीद हूँ, मेरी बेटी छत पर गई थी और वहाँ से मेरी बेटी गायब हो गई, कोई जिन उसको उठाकर ले गया है, मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए। जब शहनशाह जिन्नात ने हजूर गौसे आजम रहमतुल्ला अलैह का नाम सुना तो अपनी फौज को फौरन वापस बुलाया और कहने लगा, ये हजूर गौसे आजम का मरीद है, इसकी बेटी गायब हो गई है, कोई जिन इसे उठाकर ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समंदर की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों में वीरानों में तलाश करो, जंगलों में तलाश करो, आबादियों में तलाश करो, जैसे भी हो इस लड़की को ढूंढ कर लेकर आओ और जो जिन इस लड़की को लेकर गया है उसे भी लेकर आओ। सारी जिन्नात की फौज उस लड़की को ढूंढने में लग जाती है। सारी की सारी जिन्नात की फौज समंदरों की तहों में, जंगलों में, आबादी में, वीरानों में लड़की को तलाश करना शुरू कर देती है। बहुत ही मुश्किल के बाद वो जिन्नात उस लड़की को ढूंढ लेते हैं और साथ ही उस जिन को भी पकड़ लेते हैं जो उस लड़की को अगवा करके ले गया था। दोस्तों, उस जिन को शहनशाह जिन्नात के पास ले जाते हैं और शहनशाह जिन्नात से कहते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से इसे तलाश किया है। शहनशाह जिन्नात ने उस जिन से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुझे नहीं पता कि हजूर गौसे आजम रहमतुल्ला अलैह कौन हैं और तुझे उनके शहर से लड़की ले जाते हुए जरा भी खौफ नहीं आया। तो उस जिन ने कहा, ऐ शहनशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था कि ये लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खुला हुआ था और ये अपने नाजो अंदाज में खड़ी थी। शहनशाह जिन्नात ने कहा, तुमने पूरी कौम को खतरे में डाल दिया है, अगर शेख साहब जलाल में आ जाते तो पूरी कौम जिन्नात को पूरी दुनिया में किसी कोने में जगह ना मिलती। और शहनशाह जिन्नात ने ये कहकर एक जल्लाद जिन को हुक्म दिया कि इस जिन की गर्दन को उतार दो और इस लड़की को इसके बाप के हवाले कर दो। और वो कहने लगा, ये लो तुम्हारी बेटी, आज ही मिल गई है और शेख साहब को मेरा सलाम कहना। ये सुनकर हजूर गौसे आजम के मरीद ने शहनशाह जिन्नात से पूछा कि क्या तुम लोग भी हजूर गौसे आजम को मानते हो। तो शहनशाह जिन्नात कहने लगा, जैसे वो तुम इंसानों के शेख हैं वैसे ही वो जिन्नात के भी शेख हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम अली बिन उस्मान है, आपकी कुनियत अबुल हसन है, मगर आप हजरत सैयद अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के नाम से मशहूर हुए हैं।
आपके वालदे माजिद का इसमें ग्रामी सैयद उस्मान इबन अली है। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्ला अलैह सैयद जादे हैं। आपका सिलसिला नसब वालद माजिद और वालदा माजदा दोनों की तरफ से हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जा मिलता है। आपकी विलादत गजनी शहर के मोहल्ले हजवेर में हुई। जब गंजबख्श रहमतुल्ला अलैह पैदा हुए तो आपकी वालदा माजदा आपके ननियाल में मोहल्ला हजवेर में मुकीम थी। उसी नस्बत से आप हजवेरी कहलाते हैं। दोस्तों, अक्सर तारीख दानों के मुताबिक हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्ला अलैह 400 हिजरी बा मुताबिक 1009 ईस्वी में पैदा हुए। उस वक्त अफगानिस्तान पर सुल्तान महमूद गजनवी हुक्मरान थे। आप रहमतुल्ला अलैह का खानदान गजनी के मुमताज खानदानों में से एक था। आपके नाना जी गजनी की मुमताज शख्सियत थे। माली एतबार से काफ़ी मुस्तहकम थे और दुनियावी ज़रूरियात के मुताबिक अल्लाह सुबहाना व ताला ने आपको सब कुछ दे रखा था। आपके ननिहाली रिश्तेदारों में बहुत से अफराद इल्म व फजल में आला मुकाम रखते थे। आपका पूरा ख़ानदान इल्म व अमल का गहवारा समझा जाता था। तमाम ख़ानदान पर तसव्वुफ और रूहानियत का गलबा छाया हुआ था। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्ला अलैह के वालदे माजिद हजरत सैयद उस्मान बिन अली अपने वक़्त के जैद आलम थे। हजरत सैयद उस्मान बिन अली पहले शख्स हैं जो असबतगीन के दौर में गजनी में आकर आबाद हुए थे। सैयद उस्मान ने अपनी खुदादार सलाहियतों को बरुएकार लाते हुए खुद को गजनी के मोहल्ला जलाम में आबाद कर लिया। आप चूँकि आलम थे इसलिए आप फारग वक़्त में दीनी और इल्मी खदमात में मसरूफ रहते थे। सैयद उस्मान फिका हनफी के पैरोकार थे, बड़े आब्दुज़ाहद थे, उम्र भर सोमो सलात के पाबंद रहे, शरीयत और तरीकत के मसाइल से बखूबी आगाह थे। हजरत दाता गंजबख्श की वालदा माजदा बड़ी नेक औरत थी। शराफत और दीनदारी में अपने पूरे ख़ानदान में उन्हें बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह का बाई वतन गजनी उस दौर में बड़ी अहमियत का हामिल था। गजनी हुकूमत ने अपने दौर में उसे बहुत तरक्की दी। ये शहर मौजूदा अफगानिस्तान में दरए गजनी पर वाक़िया है और काबल से कंधार जाते हुए 135 किलोमीटर के फासले पर यह शहर वाक़िया है। यहाँ हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्ला अलैह के वालदे माजद सैयद उस्मान और आपकी वालदा माजदा दोनों की कब्रें मौजूद हैं। दोस्तों, हजरत अली हजमेरी रहमतुल्ला अलैह को शुरू से ही दीनी तलीम का बड़ा शौक था। आप रहमतुल्ला अलैह के वालद ने आपको गजनी के मशहूर व मारूफ मदरसे में दाखिल करवाया। 4 साल से ज़ायद उम्र में आपने हरूफ शनासी के बाद कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया था। अल्लाह सुबहाना व ताला ने आपको फितरी तौर पर बहुत ही अच्छा हाफजा दिया था, यानी आप बचपन ही से बड़े जहीन थे। आप रहमतुल्ला अलैह के घरेलू माहौल का ये असर था कि आप बचपन ही से नमाज के पाबंद हो गए थे। आपकी आदत में नहायत दर्जा की शराफत पाई जाती थी, इसलिए आप रहमतुल्ला अलैह ने आम बच्चों की तरह खेल कूद में बिल्कुल दिलचस्पी न ली, बल्कि आपने मुख्तलिफ मदारस में अरबी और फारसी की तालीम के साथ साथ इल्म व हदीस, तफसीर, फिका, मुंतका और फलसफा की तालीम हासिल की। इस तरह जवानी के आलम तक आपको इल्म शरीयत में पूरी तरह महारत हासिल थी और आप रहमतुल्ला अलैह की तसानीफ आपकी इल्मी पुख्तगी का मुंह बोलता सबूत हैं। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्ला अलैह ने बेशुमार असातिज़ा इकराम से इल्म हासिल किया था, लेकिन उनमें हजरत शेख अबुल कासिम गरगानी रहमतुल्ला अलैह सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। हजरत ख्वाजा मस्तान शाह काबली अपनी किताब सुल्तानुल आशिकीन में हजरत सैयद अली हजमेरी रहमतुल्ला अलैह की तालिब इल्मी के दौर का एक वाक़या नकल करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या कुछ यूँ है कि हजरत सैयद अली हजमेरी रहमतुल्ला अलैह महमूद गजनवी के कायम करदा दीनी मदरसे में अक्सर देखे जाते थे। उस वक़्त आपकी उम्र बमुश्किल 13 साल थी। हसूल इलम के जज्बे से सरशार ये तालिब इलम तालीम में इतना महव हो जाता था कि सुबह से शाम हो जाती थी। रिजवान नामी सफ़ेद रीश बुजुर्ग इस मदरसे के उस्ताद थे और अपने इस खामोश तबा तालिब इलम को तकरीम की निगाहों से
देखते थे। एक दफा सुल्तान महमूद गजनवी का गुजर इस मदरसे की जानब से हुआ और वो इस दरसगाह में आ गया और दीगर शागिर्दों के बरक्स हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने काम में इतने ज्यादा मसरूफ थे कि उनको खबर तक न लगी। जब बुजुर्ग उस्ताद ने पुकारा, देखो अली कौन आया है, अब क्या था, एक तरफ महमूद गजनवी और दूसरी जानब एक कमसन राहे हक का मुतलाशी, अजीब मंजर था। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस नौ उम्र तालिबे इल्म की तजल्लियात की ताब ना लाते हुए अपनी नजरें फौरन झुका दी और उस्ताद से कहा, यह बच्चा खुदा की तरफ रागिब है, ऐसे तालिबे इल्म इस मदरसे की जीनत है। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी, जिसके नाम से हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजा और महाराजा डर जाते थे और जिसकी तलवार से सारा हिंदुस्तान डरता था, वो एक कमसन तालिबे इल्म के सामने सर नगू हो गया था। तरीकत में सैयद अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह का ताल्लुक सिलसिला जुनैदिया से है। ये सिलसिला हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्ला अलैह से मनसूब है। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्ला अलैह तरीकत के शेखुल मशायख और शरीयत के इमामुल आमा हैं। बहुत से सूफिया कराम रूहानियत में इस तरीकत से मुस्तफीद हुए हैं। आप रहमतुल्ला अलैह के ज़माने में हजरत अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली रहमतुल्ला अलैह को शेख कामल और वलायत का दर्जा हासिल था। वो उलूम ज़ाहिर व बातन में एक आला मुकाम रखते थे और सिलसिला जुनैदिया के वली कामल तस्लीम किए जाते थे। एक दफ़ा हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र करते हुए मुल्क शाम पहुँचे। वहाँ आपकी मुलाकात हजरत सैयद अबुल फजल खतली रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आप उनकी आरिफाना और आलिमाना गुफ्तगु से बड़े मुतासर हुए। उन्होंने जब हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को नजर बातन से देखा तो उन्हें आपकी पेशानी में नूर विलायत महसूस हुआ। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनके दस्ते हक पर बैत कर ली। इस तरह आप सिलसिला जुनैदिया से वाबस्ता हो गए। दोस्तों, हजरत शेख अली हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कशफुल माजू में तहरीर फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने मुर्शिद कामल के हाथ दुलवा रहा था कि मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जब तमाम अमूर तकदीर और किस्मत से वाबस्ता होते हैं तो फिर आज़ाद लोगों को पीरों और पेशवाओं का गुलाम क्यों बनाया जाता है। अभी मेरे दिल में ये ख्याल और वसवसा पैदा ही हुआ था और ये बात मैंने अपने ज़ुबान से अभी निकाली भी नहीं थी कि पीरो मुर्शद ने अपने कशफ से ये बात मालूम फरमा ली और कहने लगे, बेटा जो कुछ तेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ है मुझे मालूम हो गया है। जब अल्लाह सुबहाना व ताला किसी को ताजो तख्त पहनाना चाहता है तो उसको तौबा करने की तौफीक ज़रूर अता फरमाता है। वो एक मेहरबान दोस्त की खिदमत करने लग जाता है, उसी खिदमत के नतीजे में उसकी करामत का इजहार होता है। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रोज़ मेरे पीरो मुर्शद ने बैतुल जिन से दमिश्क का सफ़र इख्तियार किया तो मैं भी उनके साथ था। उस दौरान बारिश आ गई और मुझे कीचड़ में चलते हुए खासी दुश्वारी महसूस हो रही थी कि अचानक मेरी नज़र जो पीरो मुर्शद पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि उनके जूते कपड़े और पाँव बिल्कुल खुश थे, गोया बारिश हो ही नहीं रही थी। जब मैंने उनसे दरियाफ्त किया तो वो फरमाने लगे कि हाँ, जब से मैं अल्लाह सुबहाना व ताला पर तवक्कल करते हुए हर किस्म के वहम को दूर किया है और दिल को हिस्सो लालच की दीवानगी से महफूज किया है, तब से अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे पाँव को कीचड़ से भी महफूज रखा है। हजरत सैयद अली हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मेरे पीरो मुर्शद हजरत अबुल फजल खतली रहमतुल्लाह अलैह की वफात का वक़्त करीब आया तो वो बैतुल जिन में मुकीम थे। बैतुल जिन दमिश्क और बारनिया के दरमियान घाटी पर वाक़ एक गाँव है। आप रहमतुल्लाह अलैह का सर मेरी गोद में था। फितरत इंसानी के मुताबिक उस वक़्त मेरा दिल एक सच्चे दोस्त की जुदाई में रंजीदा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा मैं तुम्हें अकीदे का एक मसला बताता हूँ, अगर तुमने उस पर अमल कर लिया तो हर किस्म के रंजो तकलीफ से बच जाओगे। याद रखो कि हर जगह और हर हाल अल्लाह का पैदा करदा है, ख्वा वो नेक हो या बद। तेरे लिए मुनासिब है कि ना तो उसके किसी फेल पर उंगली उठाए और ना ही दिल में उस पर एतराज़ करे। उसके साथ ही आपके पीरो मुर्शद का वसाल हो गया। नाज़रीन कराम, हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी इबादत और रियाजत में गुजार दी। आप रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं
कि एक बार मैं एक बातनी उलझन में गिरफ्तार हो गया। ये एक रूहानी राज था जो मुझ पर मुनकशिफ नहीं हुआ था। इसके इनकशाफ के लिए मैंने बड़ी रियाजत की, मगर फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। इससे पहले भी मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था और मैंने हल के लिए हजरत अबू यजीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चिला कशी की थी। उस चिला कशी के नतीजे में मेरी वो बातनी मुश्किल हल हो गई थी। चनाचा इस बार भी मैं आपके दरबार पर गया, लेकिन 3 माह तक इत्तेफाक में बैठे रहने के बावजूद भी मुझे कोई कामयाबी ना मिली। उस दौरान में रोजाना 3 दफ़ा नहाता और 3 दफ़ा ही तहारत करता था। कामयाबी की कोई सूरत ना देखकर मैंने खुरासान जाने के लिए रास्ते सफ़र बांधा और रास्ते में एक गांव में क्याम किया। यहाँ सूफियों का एक ग्रोह मुकीम था। ये रस्म परस्त लोग थे। उन्होंने मुझे सादा पजामे पहने देखकर कहा, ये हमारी जमात से मुतल्लक नहीं है। और वाकया मेरा उनकी जमात से कोई ताल्लुक भी नहीं था। उन्होंने जो जगह मुझे क्याम के लिए दी थी और ख़ुद उन्होंने उससे बुलंद जगह पर क्याम किया, और वो ख़ुद तो नहायत लजीज और नफीस खाने खाते रहे और मुझे एक सूखी रोटी खाने को दे दी, और वो लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे, खरबूजा खाकर छिलके मुझ पर फेंकते रहे। मैंने अपने दिल में कहा, ए मौला करीम, अगर उनका वो लिबास ना होता जो तेरे दोस्तों का होता है तो मैं इनकी ये ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त ना करता। हालांकि ये रस्म परस सूफी मुझे हदफ तनकीद बना रहे थे, लेकिन वो अनबिया और औलिया की एक बहुत बड़ी सुन्नत पर अमल कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरे दिल को बड़ी मसरत हासिल हो रही थी। और उस वक्त मुझ पर ये राज भी खुल गया कि बुजुर्गाने तरीकत काम फहमों की ज्यादतियों को क्यों बर्दाश्त कर जाते हैं। और मुझे मालूम हो गया कि मलामत बर्दाश्त करना भी रूहानी मदारस की बुलंदी का जीना है। इसमें भी बड़े फ़ायदे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह को जब भी कभी कोई रूहानी मुश्किल पेश आ जाती और उसके हल का कोई तरीका समझ में ना आता, तो उसे समझने के लिए आप अपने पीरो मुर्शिद या उसातदा में से किसी एक तरफ चल देते थे और उनके पास पहुँच कर रहनुमाई हासिल करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे कुछ ऐसा वाक्या पेश आया कि उसे हल करने का कोई तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा था, और वो मामला मेरे लिए बड़ा दुश्वार हो गया था। मैंने शेख अबुल कासम दरगानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होने के लिए सफ़र इख्तियार किया। वहाँ पहुँच कर के वो अपने मकान की मस्जिद में बिल्कुल तन्हा मौजूद हैं, और वो वाक्या जो मुझे दरपेश था वो एक सतून को सुना रहे हैं। मैंने अर्ज किया, हजूर ये बात आप किसको सुना रहे हैं? तो हजूर ने फरमाया, ऐ बेटा, अभी अभी अल्लाह तबारक व ताला ने इस सतून को मेरे साथ हम कलामी की कुव्वत अता फरमा दी थी, यहाँ तक कि इसने मुझसे सवाल किया जिसका जवाब मैं उसे दे रहा था। ये जवाब आप रहमतुल्लाह अलैह की उलझन का भी हाल था। हजरत सैयद अली हजमीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाम में ज़ियारत की और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वसीयत फरमाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने हवास को काबू में रखो। अपने हवासे खमसा को काबू में रखना असल मुजाहदा है। तमाम अलूम इन्हीं हवासे खमसा के 5ों दरवाज़ों के ज़रिए से हासिल होते हैं। हज़रत सैयद अली हजमीरी रहमतुल्लाह अलैह जब कसरत तकवा, रियाजत इबादत, मोहब्बत मुर्शिद, हुब इलाही और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आरास्ता हो गए और सलूक की तमाम मनाजिल तय करके वली कामल के मरतबे पर पहुँच गए, तो आपके पीरो मुर्शिद ने आपको खुरका खिलाफत अता फरमाया और खिदमत दीन का हुक्म दे दिया। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उम्र का एक लंबा अरसा दुनिया की सैर व सियाहत में गुजारा, जिसका मकसद मजीद इल्मी और रूहानी फैज हासिल करना था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जिन ममालिक का सफ़र किया उनमें अफगानिस्तान, ईरान, इराक, शाम, हिजाज और पाको हिंद के नाम काबिले जिक्र हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के दुराने सफ़र, पेश आने वाले हालात वाक़यात और मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन के साथ
उनकी मुलाकात के अहवालों वाक्यात सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इन वाक्यात को सुनकर रूहानी सुकून हासिल करेंगे। हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तुर्कस्तान के सूबा फरगाना के सफर का एक वाक्या कुछ यूं लिखा है कि फरगाना के एक गांव शलातक में एक पीर बुजुर्ग रहते थे। लोग इन्हें बाबे उमर कहते थे। मैं उनकी जियारत के लिए गया, लेकिन जब करीब पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि क्यों आए हो। मैंने अर्ज की कि शेख की जियारत के लिए आया हूं और ये उम्मीद लिए कि मुझ पर निगाह शफ़क़त हो। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, मैं खुद फला दिन से तेरे इंतजार में था ताकि मैं तुझे देख लूं और तू इधर उधर ना हो जाए। मैंने हिसाब लगाया तो ये दिन मेरी इब्तदाए तौबा का दिन था। फिर वो फरमाने लगे, सफ़र बच्चों का खेल है, अब आना हुआ तो हिम्मत से आओ। किसी शेख की ज़ियारत करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि उसके कराम से फैज़ हासिल करो। फिर वो अपनी जोजा फातिमा से कहने लगे, जो कुछ घर में मौजूद है ले आओ ताकि ये दरवेश खाए। उन्होंने ताज़ा अंगूर, ताज़ा खजूरें मेरे सामने रख दी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उस वक्त अंगूरों का मौसम नहीं था और खजूरें फरगाना में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ये इस दरवेश की करामत थी कि उन्होंने बेमौसम अंगूर और खजूर मेरे सामने पेश कर दिए थे। दोस्तों, बुखारा में आपकी मुलाकात एक आब्दुज़ाहिर शख्स से हुई। उसके बारे में आपने लिखा है कि मैंने बुखारा में शेख अहमद समरकंदी को देखा, जो 40 साल से रात को सोते नहीं थे, दिन को थोड़े वक्फे के लिए सो जाते थे। यानी आप रहमतुल्लाह अलैह उनके रात जागते रहने से बड़े मुतासर हुए थे। हजरत सैयद अली हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दौरान सफ़र एक मरतबा मैं खुरासान के एक गांव कमंद में पहुंचा। वहां एक मरूफ आदमी अदीब कुमंदी रहता था। वो एक बुजुर्ग था। वो 24 साल से खड़ा था और नमाज में सिर्फ तशहद के लिए बैठता था। मैंने पूछा तो कहने लगा, मुझे अभी वो मुकाम नसीब नहीं हुआ कि मुशाहदा हक में बैठ सकूं। दोस्तों, तोस और मशद के इलाके में मुहैना नामी एक गांव था। वहां भी हजरत सैयद अली हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले गए और वहां हजरत शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी। आपने कश्फुल महजूब में कुछ यूं लिखा है कि एक दफ़ा का जिक्र है, मैं मोहना में अबू सईद के मज़ार पर असबे आदत तन्हा बैठा हुआ था। उसी दौरान एक कबूतर आया और कब्र के गलाफ के अंदर चला गया। मैं समझा किसी का पालतू कबूतर उड़कर चला आया है। मैंने गुलाब उठाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। दूसरे और तीसरे रोज भी यही वाक्या पेश आया। एक रात शेख मुझे ख्वाब में नजर आए तो मैंने उनसे ये बात पूछी तो उन्होंने फरमाया कि कबूतर मेरी सफाते मामलात हैं, जो हर रोज मेरी हम नशीनी के लिए जेर लहद आता है। हजरत सैयद अली हजवेरी फरमाते हैं कि हजरत अहमद सरकसी रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे दोस्त थे और बड़े ही आला शान बुजुर्ग थे, उनसे लोगों ने कहा, क्या आप निकाह की जरूरत महसूस नहीं करते? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। लोगों ने दरियास किया, इसकी क्या वजह है? तो आप फरमाने लगे, इसलिए कि मैं अपने मामले में कभी तो हाजिर हूँ और कभी गायब हूँ। जब मैं गायब होता हूँ तो मुझे दुनिया की किसी चीज की याद नहीं आती, और जब मैं हाजिर होता हूँ तो अपने नफस को इस तरह रखता हूँ कि जब इसको एक रोटी मिल जाए तो वो समझता है कि मुझे हजारों हूरें मिल गई हैं। बस दिल की मशगूलियत बड़ा काम है, जो चीज़ तुम्हें पसंद है उसे इख्तियार कर लो। दोस्तों, हजरत सैयद अली हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह फरमाते हैं कि मैंने अहमद सरकसी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि वो कौन सा वाक़या है जिसने आपको तौबा की तरफ मायल किया। तो उन्होंने कहा, मैं सरक्स के जंगल में मुकीम था और मेरा ऊँट भी मेरे साथ मौजूद था। मेरा तरीका ये था कि मैं अक्सर अपनी रोटी हाजतमंदों को दे दिया करता था और खुद फाका करता था। इसी असना में एक रोज एक शेर आ गया, उसने मेरे ऊँट को मार डाला, मगर उसे खाया नहीं बल्कि जाकर एक ऊंची जगह पर बैठ गया और जोर जोर से दाड़े मारने लगा। उसके दाड़ने की आवाज़ सुनकर जंगल के दरिंदे ऊँट के पास जमा हो गए और इसे चीर फाड़ कर खाने लगे। जब वो अपना पेट भर कर चले गए तो शेर नीचे उतरा। अभी वो शिकार के करीब पहुंचा नहीं था कि सामने से एक लोमड़ी नमूदार हुई। उसे देखकर वो वापस आ गया। उसका मकसद ये था कि लोमड़ी बेखौफ खतर होकर गोश्त खा ले।
लोमड़ी के जाने के बाद शेर ऊंट के पास आया और थोड़ा सा गोश्त खाकर चल दिया। जब वो मेरे करीब से गुजरा तो उसने मुझे मुखातब करके रिक्कत अंगेज लहजे में कहा कि ए अहमद, पेट भरने वाली अशिया का इजहार कर देना तो चुपाया और दरिंदों का वतीरा है। इंसान की हिम्मत आली का तकाजा तो ये है कि उससे बुलंद चीज यानी अपनी जान भाइयों की फरादो बहबूद के लिए वक्फ कर दे। ये वाकया देखकर मैंने दुनियादारी के तमाम काम छोड़कर अपने आप को इबादत इलाही और लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया और यही बात मेरी तौबा का सबब बनी। दोस्तों, एक मरतबा हजरत सैयद अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह रमल्ला नामी गांव में तशरीफ ले गए जो बैतुल मक़दस के इलाके में वाकया है। उस वाक़े को आपने यूं बयान फरमाया है कि एक मरतबा मैं दमिश्क के दरवेशों के हमरा इब्ने औला की ज़ियारत के लिए जा रहा था और वो रमल्ला नामी गांव में मुकीम थे। मैंने रास्ते में ये फैसला किया कि हर शख्स अपने दिल में कोई बात सोच ले, देखते हैं कि पीर साहब हमारे बातन की कैफियत समझते हैं या नहीं। चुनाचा मैंने सोचा कि मुझे आपसे हुसैन बिन मंसूर हल्लाद की मुनाजात और इशार मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए और दूसरे ने कहा मैं तली के मर्ज में मुबतला हूँ तो मुझे शिफा मिल जाए और तीसरे ने कहा मुझे खाने के लिए बर्फ़ी चाहिए। जब हम लोग हाजिर हुए तो शेख ने हुसैन बिन मंसूर की मुनाजात मेरे सामने रख दी और दूसरे दरवेश के पेट पर हाथ फेरा तो उसकी तली की तकलीफ दूर हो गई। शेख ने तीसरे से फरमाया कि बर्फ़ी तो बादशाह के दरबारों की गजा है मगर तुमने तो लिबास औलिया अल्लाह का ओढ़ रखा है, ये लिबास शाही नौकरों और दुनियादारों के मुतालबात पर रास नहीं आता, तो इसलिए दो में से एक चीज़ इख्तियार कर लो। दोस्तों, हजरत सैयद अली हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शहर कूफा में एक मरतबा मैंने एक बुजुर्ग को देखा जो बड़े साबे मुकाम थे। वो जंगल से फाका लदा सफ़र की मशक्क़त उठाए हुए कूफा के बाजार में आ गए और हाथ पर चिड़िया बिठाई हुई थी और पुकार रहे थे कि कोई मुझे इस चिड़िया के बदले कुछ दे दे। लोगों ने पूछा ये क्या बात है तो उन्होंने कहा यह नामुमकिन है, मैं खुदा के नाम पर कुछ मांगूं, दुनियावी चीज़ के लिए अदना चीज़ की सिफारिश लाई जा सकती है, इसलिए मैंने अपने हाथ पर चिड़िया रखी है। दोस्तों, ये इन लोगों का अल्लाह ताला की जात से वाबस्तगी का आलम था कि फाका कशी बर्दाश्त कर रहे थे लेकिन गदाई को इख्तियार न किया। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने शेख तरीकत के साथ आज़रबाईजान के दियार में सफ़र कर रहा था, दो तीन फुरका पोश दरवेशों को देखा। वो गंदम के खेत के पास खड़े थे और इस उम्मीद पर उन्होंने अपने दामन फैलाए हुए थे कि किसान कुछ गंदम डाल दे। ये मंजर देखकर शेख ने फरमाया ये वही लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, बस इनको तजारत ने कोई नफ़ा ना दिया और ये हदायत पाने वाले नहीं थे। फिर फरमाया कि इनके पीरों को मरीज जमा करने की आरजू थी और इनको मताए दुनिया जमा करने की हवस है, एक हवस दूसरी हवस से बारातर नहीं हो सकती।